ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ किया गया तो मैंने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. स्टिल फॉर इंफॉर्मेशन आई एम रिपीटिंग ऑन 7 मई डेट ऑफ नोटिफिकेशन है. लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 14 मई है. स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 15 मई को है और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट 17 मई को है. एंड 1 जून को डेट ऑफ पोलिंग है और काउंटिंग 4 जून को होना है. By 6th of June we have to complete the all the entire election process. तो वही तो कह रहा था. If you are stopping that. So election schedule हम discuss कर रहे थे. तो इलेक्शन शेड्यूल विल बी एनीवे रिलीज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. सो आई एक्सप्लेन्ड वी हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस. 7 मई को नोटिफिकेशन होना है एंड 1 जून को पोलिंग होना है एंड 4 जून को जो काउंटिंग होना है. 6 जून तक हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट करना है. तो अभी 1 मार्च तक जो वोटर्स हैं हमारे पास वो 2,12,71,246 वोटर्स हैं. उसमें टोटल पोलिंग स्टेशन है 24,433 और अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास पोलिंग ऑफिशियल्स जो है हम यूज़ करेंगे पोलिंग के टाइम में. एंड 25,000 के आसपास मतलब 24,433 पोलिंग स्टेशन अभी है. और भी बढ़ सकता है क्योंकि जब वोटर्स ऐड करेंगे तो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी होने के चांसेस है. तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास EVMs हमारे पास हमें यूज़ करना पड़ेगा और अराउंड 10,000 व्हीकल्स हम यूज़ करेंगे पोलिंग स्टाफ एंड अदर पर्पस के लिए. तो नॉर्मली पंजाब में कोई रिपोर्ट वगैरह के इश्यूज बहुत ही कम आते हैं और वायलेंस भी बहुत कम आता है. तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल नॉट हैव सच इंसिडेंट्स एंड वी आर कीपिंग ए स्ट्रिक्ट आई ऑन ऑल दिस वायलेशंस एंड ऑल. एंड इलेक्ट्रल रोल की प्योरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी हमने काफ़ी कोशिश किया है. तो जो डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज एंड फिजिकल फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज जो है इलेक्ट्रल रोल में उसमें हमने थ्रू DEOs एंड EROs हमने उसकी प्योरिफिकेशन के लिए काफ़ी कोशिश किया है. तो आई थिंक आवर इलेक्ट्रल रोल इज़ ऑलमोस्ट वी एक्सपेक्ट दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 100% प्योरीफाई हो चुका है. और अभी प्रसन्नली मैंने कहा कि एक करोड़ 12 लाख मेल वोटर्स है, 1,01,00,000 फीमेल वोटर्स हैं और 4.9 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास हमारे पास फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं. और जो PWD वोटर्स है पर्सन विथ डिसेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 1.55 लाख है. वो 747 ट्रांसजेंडर वोटर्स है, 1.04 सर्विस वोटर्स है, 1.04 लाख सर्विस वोटर्स है और 100 से ऊपर वाला अप्रोक्सीमेटली 1.91 लाख वोटर्स है. इसका सारी डिटेल आपको दिया जाएगा. और हमने इस बार हमारी कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे हाईएस्ट हो जाए. तो नॉर्मली आपको पता ही है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस में वोटिंग परसेंटेज कम होता है. इट नॉर्मली इस 65 के आसपास होता है बट असेंबली इलेक्शन में अराउंड 70 के ऊपर होता है, 72-73% होता है. तो इस बार हमने एक टारगेट रखा है 70+ वोटर्स का. इस बार 70 पार है इसकी मोटो. तो हमने इसकी स्वीप आइकॉन के तौर पे मिस्टर शुभमान गिल है क्रिकेट, उनको एंगेज किया है. तो होपफुली यंग वोटर्स के लिए इंस्पिरेशन रहेगा. उसके अलावा मिस्टर तस्सीम जसड़ है जो सिंगर है, उनको भी एंगेज किया है. तो वील ट्राई टू मैक्सिमम यूटिलाइज दम फॉर इंक्रीजिंग अवर वोटर टर्न आउट. बाकी जो 24,433 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज अवेलेबल है. नॉर्मली कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस आता है कि ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट,
साइनेज, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वाटर फैसिलिटेशन एंड सफिशिएंट लाइट शेड वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। वो 2 किलोमीटर से ऊपर कोई पोलिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हमारी जो पोलिंग स्टेशन है वो फुलफिल कर रहा है 100%। तो बट हमने कुछ पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम है, तो उनके लिए हम स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक पिंग पोलिंग स्टेशन और मॉडल पोलिंग स्टेशन टाइप, जहाँ पे एडिशनल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और PWD और 85+ वोटर्स के लिए इस बार कमीशन ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, उनको होम वोटिंग की सुविधा दिया है। तो उनको जो भी फॉर्म 12D चाहिए वो फॉर्म 12D प्रोवाइड किया जाएगा, जिनको पोस्टल बैलेट सप्लाई हो जाएगा और होम वोटिंग टीम घर जाके उनकी वोटिंग करेगा। तो एक्सेसिबल इलेक्शन लाइक PWD वोटर्स के लिए भी स्पेशल हमने प्रोविजन किया है, उनके लिए व्हीलचेयर वगैरह की फैसिलिटीज़ होंगे वहाँ पे। उसके अलावा भी होम वोटिंग का इनकेस वो करना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, वॉलंटियर्स होंगे। और इस बार सिंस समर टाइम में हो रहे तो पीक समर होगा जब पोलिंग होगा पंजाब में, तो उस टाइम में हमने स्पेशल उनके लिए छबील वगैरह की अरेंजमेंट किया है, वॉलंटियर्स हैं और शेड होगा और क्रश वगैरह होगी जो बच्चों के लिए, और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होंगे जो मैक्सिमम वोटर्स को फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि वोटिंग परसेंटेज हमारे बढ़ जाए। बाकी IT इस बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन काफ़ी यूज़ करता है, तो आप सबको पता ही है CVGIL अभी एक्टिवेट हो गया है। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्टिव वायलेशन होता है उनका आप थ्रू CVGIL राही कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें 100 मिनट के अंदर अंदर उसकी कार्रवाई होता है और हम उसका भी मॉनिटरिंग यहाँ से करते हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुविधा पोर्टल भी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की परमिशन के लिए, कैंडिडेट्स की परमिशन के लिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उनकी जो परमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और सुविधा जो सिंगल विंडो ही रहे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल एज SC लेवल। एंड बाकी आपको पता ही है ये इस बार इलेक्शन सीशर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सीशर्स वगैरह ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है। तो हमारे जो सीशर्स रहे हैं पिछले इलेक्शंस में, काफ़ी पंजाब में नॉर्मली सीशर्स होते रहते हैं, ड्रग्स, लिकर, नारकोटिक्स, कैश वगैरह, प्रेशियस मेटल्स वगैरह की सीशर्स होते हैं। और 2019 में अराउंड 285 करोड़ की सीशर हुआ था, और विधानसभा 2022 में 511 करोड़ की सीशर हुआ था। तो इस बार भी हम सारे एनफोर्समेंट एजेंसी को लगाया हुआ है और वी विल ट्राई।